नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको वो टिहरी दिखाने जा रहा हूँ जिसने कभी जल समाधि ले ली थी। आज थोड़ा सा पानी कम हुआ है तो वो टिहरी फिर से उभर कर आई है हमारे आँखों के सामने। इस टिहरी से जुड़ी हुई कई लोगों की यादें होंगी, तो अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये भी किसी का एक घर रहा होगा। तो ऐसे ही मैं आपको जो है और भी घर यहाँ पे खंडहर जो बन चुके हैं आज, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी यादों को जो है इन टिहरी की यादों को औरों से भी शेयर करें। तो आपके लिए पेश है यादों का ये सफर। रास्ता रहा होगा क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ये इधर से दीवार बनी हुई है, तो ये इधर से रास्ता रहा होगा। यहाँ से रास्ता लोगों का आना जाना रहा होगा क्योंकि दिख रहा है अलग से रास्ता अपने आप दिखता है। ये खंडर है, इधर खंडर है। ये किसी के घर की मतलब बाउंड्री रही होगी और ये बगल से रास्ता। बहुत मुश्किल होता है अपनी जन्मभूमि को छोड़ना। जिन लोगों को यहाँ से पलायन किया गया आज भी उनकी यादें यहाँ पे जो है बसती हैं। आज भी उनके जहन में आता होगा कि इन चौक में, ये देखे इस चौक में जो है किसी बच्चे ने खेला होगा। दिल भर आता होगा आज भी उन बुजुर्गों का, उन माता बहनों का जो आज अपने इस गांव को याद करते होंगे क्योंकि उनको जो है ज़बरदस्ती यहां से पलायन करवाया गया था ये डैम के खातिर। तो उन्होंने जो है बलिदान दिया है अपने इस गांव का। कहते हैं ना कि विकास जो है अपने साथ विनाश भी लेके आता है। सिक्के के दो पहलू हैं ये, विकास और विनाश। अगर विकास होगा तो कुछ ना कुछ विनाश होगा, कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा जो कि इस गांव के लोगों ने दिया है। और 56 किलोमीटर तक जितने भी गांव इस झील से लगते रहे होंगे तो आज जो है उन्होंने एक बलिदान दिया है अपने गांवों का। सैकड़ों गांवों का बलिदान हुआ है इस डैम के खातिर। आज इस डैम का जो है जो भी बेनिफिट होगा वो अलग चीज़ है। देखो विकास का जो फ़ायदा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिन लोगों की यादें जुड़ी हैं, जिनका ज़मीन, जिनकी जायदाद, जिनका एक बचपन की यादें यहाँ मर चुकी हैं, आज उनके आंखों में आंसू आ जाते होंगे ये देख के। तो ये आप देखिए खंडर, ये किसी का एक कमरा रहा होगा। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ दिख रहा है। हमारे भाषा में तो इसको ब्यार बोलते हैं, कुछ लोग आव बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये अभी भी कुछ इसमें दिख रहे हैं। आप लोग अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हमें पता चले। ये लगभग चार कमरों का मकान था। अच्छा, पांच कमरों का। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा और मैं आपको दिखाता हूँ ये है चौथा और वो है पांचवा। पांच कमरों का घर था, यानी कि काफ़ी बड़ा परिवार इसमें रहा होगा इस घर में। ये कुछ लकड़ी पड़ी हुई है इस घर की और भी मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे खंडर हैं पड़े हुए। सबसे बड़ा घर तो मुझे यही दिख रहा है यहाँ का। कुछ घर ये भी दिख रहे हैं, एक ये है, ये भी एक आलिशान घर रहा होगा क्योंकि, और काफ़ी बड़ा रहा होगा क्योंकि इसके पिलर मुझे दिख रहे हैं। और ये पक्का मकान था और उसके पीछे में कच्चा मकान भी था। तो मतलब एक अच्छा परिवार रहा होगा वहाँ पे। वो सब आज जो है डूब चुका है। ये देखो ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं और इसमें कुछ लिखा हुआ है। सर ये कुछ लिखा हुआ है क्या? ये पानी से हो रखा है, मुझे लगा कोई लिपि कोई भाषा लिखी है। ये सर जो किसी की ना हो रही होंगी मेन बाउंड्री, ये बाउंड्री के ऊपर के हैं इतने बड़े बड़े पत्थर। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर है। देखो पुराने लोग कहाँ कहाँ से पत्थर लाए होंगे, कितने बड़े बड़े पत्थर, पूरी एक ही स्लैब निकाल रखी है, इतनी बड़ी स्लाइड निकाल रखी है। ये कहाँ कहाँ से लाए होंगे, कितनी मेहनत
हमारे बुजुर्गों ने की होगी। और ये देखो कितनी पक्की चिनाई करी होगी कि आज भी कितने सालों बाद, आज भी पानी के अंदर रहने के बाद भी ये देखो बचे हुए। ये पक्का मकान था, अभी भी प्लास्टर इसका थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये यहाँ पूरा एक मोहल्ला रहा होगा सर, है ना, यहाँ सारे मोहल्ले। ये देखो सीढ़ियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये पीछे मकान रहा होगा, और ये सीढ़ियाँ देखो, ये सीढ़ियाँ आज भी यहाँ पे। ये जब गाय भैंस जो होते ना घर में, ये इनमें उनको बांधते थे, गाय भैंस को बांधते थे। ये यहाँ पे एक और राणा जी दिखा रहे हैं, ये वाला कील बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो किल्लू। और ये बाहर चौक के बाहर जो चूल्हा होता है ना, जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो लोग घर के बाहर बनाते थे शाम के टाइम खाना, दिन के टाइम, तो ये चूल्हा रहा होगा यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कोई चीज़ ऐसी रही होगी कि ये पत्थर इस तरह से रखा गया है, और ये पक्का मकान यहाँ का। ये देखो ये भी एक किल्लू जो था, एक ये पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये वाला छेद देखिए, ये यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ क्या, ये टांग रखा हुआ, ये पत्थर कि इसमें छेद करा हुआ है, इस पत्थर में छेद है, नहीं उर्ख्याल तो नहीं था सर। ये पेड़ रहा होगा यहाँ पे घर के बाहर पे, जो छांव के लिए हर घर के बाहर रहते हैं पेड़ पहाड़ों में अक्सर, वो रहा होगा। और देखो कितनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स ला रखी हैं, कैसे हमारे बुजुर्ग कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने दिन रात इस जगह के लिए, यहाँ ये घर बनाने के लिए। और आज जो है ये पानी में तब्दील हो चुके हैं, यहाँ पे आज एक पलायन धरती बन चुकी है इस पहाड़ में। ये पूरा एक गांव, ये जो गांव है, इस गांव का ये मेन मोहल्ला रहा होगा। ये देखिए ये नहाने की जगह है, यहाँ पे नहाते होंगे, ये वाला पत्थर, क्योंकि गांव में पहले हमारे यहाँ पे भी था, इतना बड़े पत्थर में जो है नहाते थे। यहाँ पे कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चे नहाते होंगे एक समय पे, ये देखिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये फूल बहुत अच्छा लग रहा है, और दिखाएंगे आपको ये भी। ये पूरा एक सोसाइटी रही होगी, एक गांव, मतलब गांव का जो एक मोहल्ला रहता ना पूरा, ये मोहल्ला। हाँ यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है आगे, यहाँ पे आगे कुछ दिखा है, बहुत प्यारा घर रहा होगा, और बहुत ही कितना डिजाइनिंग घर रहा होगा ये, इसमें हाथ की बहुत कलाकारी हुई है। ये पक्का मकान था, ये देखिए, ये बिहार है या मंदिर है मुझे नहीं पता, दोनों एक जैसे होते हैं, बिहार भी और मंदिर भी, तो ये किसी का घर रहा होगा, ये बिहार या मंदिर है। और ये घर का जो है ये छत रही होगी, इस एरिया पे छत रही होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे बीम दिख रहे हैं, ये सारे बीम दिख रहे हैं इधर, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छा था सर। ये सीढ़ी थी शायद यहाँ पे कुछ, अच्छा ये देखो यहाँ पे ये पानी निकासी का है, ये पानी निकासी का, इसका मतलब यहाँ पे ये या तो बर्तन धोने की जगह थी, या ये कोई छत का किनारा, छत तो नहीं था, ये बर्तन धोने की या नहाने की जगह थी, यहाँ पे या तो नहाते थे या बर्तन धोते थे। और देखिए ये तीन कमरों का सेट था पूरा, और ये डबल स्टोरी था, हाँ सही बोले, ये डबल स्टोरी था, ये तीन कमरों का सेट है, वहाँ पे कुछ बिल सा बना हुआ है, और हो सकता है खजाना खड़ा हो, किसी ने खजाना दबाया हो। तो ये सारे खंडर हैं, ये पूरा मोहल्ला था इस गांव का, और मेन मोहल्ला रहा होगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि बचपन में, आओ सर, बचपन में एक लालच रहता है ना सर, आप बताओ सर, ये पेड़ किस चीज़ का पेड़ रहा होगा, आप बताओ ये किस चीज़ का पेड़ रहा होगा यहाँ पे, है सीमल या कोई फलदार पेड़ रहा हो, आम वगैरह कुछ, हाँ ये भी है घर के नज़दीक, नहीं क्यों नहीं है, हमारी इधर तो बहुत है, बडीर में नहीं है क्या, घर के आगे लोगों के आम के पेड़ है, घर के पीछे आम के पेड़ है, हो सकता है ये आम रहा हो, बच्चों ने इससे आम खाए हों, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी कोई फलदार पेड़ रहा हो, क्योंकि अक्सर घर के नज़दीक जो है
फलदार पेड़ आम वगैरह ही होते हैं। ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ, इस घर की सीढ़ियाँ, ये भी एक पक्का मकान था जो कि आज पानी में एक समा गया है। सारी यादें डूब चुकी हैं इस गांव की। जिस किसी का भी गांव हो वो कमेंट करके बताए कि ये किसका गांव था। क्या चीज़ सर? हाँ, इस सीढ़ी पे हमारे राणा जी चढ़ेंगे। ये राणा जी पहुँच चुके हैं छत में। और राणा जी अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप ऊपर पहुँच के? बहुत बढ़िया, सनसेट भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है आप राणा जी के साथ साथ। बहुत बढ़िया सर, पक्का मकान था ये वाला मकान, पक्का था। हाँ ये देखो, ज़्यादा कुछ मुझे मिल नहीं रहा है इन घरों पे, बस ये ब्यार और सीढ़ी और नहाने की जगह ही बची हैं क्योंकि अंदर के हाँ ये चिड़िया कुछ बता रही है क्या? ये बहुत तेज से हल्ला कर रही है, ये कुछ बोल रही है। हो सकता है इसका कोई मकान रहा हो पहले, इंसानी जन्म रहा होगा। एक चीज मुझे दिखी है यहाँ पे, ओखली। देखो ये ओखली, हमारे यहाँ पत्थरों की जो ओखली बनाई जाती थी, यहाँ पे कितनी मेहनत से इस ओखली को बनाया गया होगा। कितने धान, कितने झंगोरा और क्या क्या कूटा जाते हैं इसमें, मसाले वगैरह कूटे जाते थे। कितना माँ बहनों ने इसमें मेहनत करी होगी, किसी दादाजी ने ये बनाया होगा, किसी पापा जी ने बनाया होगा। ये रास्ता था, हाँ ये रास्ता यहाँ से दिख रहा है। ये रास्ता जो मैं अभी आपको ऊपर दिखा रहा था रास्ता ना, ये यहाँ से आ रहा है। ये पूरा बगड़ बोलते ना हमारे गढ़वाली में, हमारे गढ़वाली बोलते ना बगड़, तो ये पूरा बगड़ था, ये बगड़ का रास्ता। ये देखिए ये रास्ता इधर से जो है ये जा रहा है, ये रास्ता उधर को निकल गया उधर से। जी थोड़ा पोज दे रहे हैं और इसके साथ दोस्तों विदा लेना चाहेंगे आपसे इस वीडियो को। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो सका, कोई दुखी हुआ हो और किसी की यादें ताज़ा हुई हो, लेकिन मेरा किसी को का मन दुखाने का कोई इरादा नहीं था। बस इतना था कि लोगों के गांव दिखाएं हम जो डूब चुके हैं। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, और नई वीडियो के लिए आप जो है बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो आने का जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।